अग्नि देव की महिमा। तुम यहाँ रहकर हमारी सब पीड़ा और रोगों को दूर करो। हे अग्नि देवता, अग्नि को प्रदीप्त करने से सब रोग बीज नष्ट हो जाते हैं। हे औषधया, तुम पुष्पवती सुपिपलाहा प्रगणित फूलों वाली और अच्छे फलों वाली होकर इस अग्नि का स्वीकार करो। तुम्हारा गर्व ऋतुकाल के अनुकूल होता है। अयम प्रयत्नम संधस्त आसदयत, यहाँ यह अग्नि पुरातन काल से रहा हुआ है। औषधियों के योग्य रीति से हवन करने से दूर रोग होते हैं। इस यज्ञ कार्य के लिए उत्तम परिपक्व औषधियाँ प्राप्त करनी चाहिए। पुरातन काल से ग्रामों और नगरों में यज्ञ ग्रह होने चाहिए। जहाँ योग्य औषधियों का ऋतु के अनुकूल हवन होता रहेगा तो ग्राम या नगर रोग रहित होकर रहेगा। हे बड़े बल से दीप्तमान अग्नि, तुम शत्रुओं राक्षसों समस्त व्याधियों को विनष्ट करो और अच्छे सुख से युक्त होकर महान हवन कार्य में बुलाने योग्य अग्नि को प्रसन्न करने के लिए कार्य नियुक्त हो। बड़े बल से तेजस्वी बना अग्नि है, अग्नि को प्रदीप्त स्थिति में रखना चाहिए। ऐसा प्रदीप्त अग्नि ही रोगों को विनष्ट करता है। मैं उत्तम कल्याण करने वाले बड़े हवन जिसमें होते हैं ऐसे अग्नि के स्थान में आनंद से रहेंगे। ऐसा हवन करने का कार्य करने वाला यह यज्ञ नगर में होगा तो वह नगर सुखी होगा। यज्ञ होने के कारण उस नगर में रोगों की पीड़ा नहीं होगी और लोग आनंद से प्रसन्न रहेंगे। हे जलो, तुम सुख के उत्पादक हो, बल से युक्त होने का अनुभव करो। वे जल हमारे बड़े विशाल बड़बड़ाने के लिए विशाल बल से युक्त होने का अनुभव हमें कर दें। जल के सुयोग्य उपयोग से शरीर रोग रहित और बलवान होता है, ऐसा अनुभव मनुष्य करें। हे जलों, तुम्हारा जो सुख देने वाला रस यहाँ है, हमको उस रस का आस्वाद लेने वाला करो। जिस प्रकार प्रीति करने वाले माताएं अपने पुत्रों के लिए हितकारिणी होती हैं, जलों में जो रस है वह लाभदायक है, उसका योग्य रीति से उपयोग करना चाहिए। उत्तम माताएं पुत्र को जैसे हित करती हैं वैसा हित जल करता है। हे जलों, तुम्हारे उस रस को हम शीघ्र प्राप्त करें और हमको उत्पन्न करते रहो। हमारी उत्पत्ति भी तुम करते हो। जनन कार्य में जल का भाग बड़ा रहता है। जल ना हो तो प्रजनन कार्य नहीं होगा। मित्र देवता आदित्य विस्तृत अंतरिक्ष और भूमिका अपने प्रकाश से संयुक्त तो करता है और मैं भी सुंजातम जात वेद समत्वा सुंदर जन्म वाले जात वेद स तुम अग्नि को भी प्रजाव्य अयक्षमाय प्रजाओं के रोग निवृत्ति के लिए उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा प्रकाश करता है उसी प्रकार मैं यहाँ इस पृथ्वी पर अग्नि को जलाकर प्रकाश करता हूँ। इस अग्नि से दूर रहता है और रोग दूर होते हैं। रुद्रों ने पृथ्वी को उत्पन्न किया और उस पर प्रकाश भी उत्पन्न किया। वह प्रकाश फैल रहा है और वही प्रकाश अन्य देवों को बता रहा है। उस प्रकाश से ही हम सब विश्व का दर्शन कर रहे हैं। मिट्टी को जल मिश्रित करके नरम बनाना चाहिए। इसके पश्चात मिट्टी से अनेक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। दीनता रहे तो देव माता महान शक्ति वह सुंदर केश वाली उत्तम आभूषण वाली और श्रेष्ठ अंगों वाली चंद्रयुक्त अमावस्या तुम्हारे लिए अपने दोनों हाथों में ऊखा धारण करें। उत्तम सुंदर केश वाली उत्तम सुंदर अवयवों स्त्री सिनीशाली तुभ्यम हस्तव्योखाम दधातु चंद्र के समान सुंदर स्त्री तुम्हारे लिए पात्र में वह स्त्री अन्न पकाए। चंद्र के समान सुंदर स्त्री तुम्हारे लिए हाथों में पकाने के लिए पात्र धारण करे और अदिति ही अधीन स्त्री अपनी शक्ति बुद्धि तथा दोनों हाथों से पाक पात्र को धारण करे। वह अपने मध्य में सब प्रकार से अग्नि को धारण करे जिस प्रकार माता अपनी गोद में पुत्र को धारण करते हैं। वशुगण गायत्री छंद्र के प्रभाव से अंगिरा की तरह तुझको प्रदीप्त करें। तुम यजमानस्य प्रजाम सजातान दृढ़ हो पृथ्वी रूप हो। तुम यजमान के लिए संतान धन पुष्टि गौपतित्व सुंदर पराक्रम सहोदर गण के रहित हमको यथोचित सौहार्द धारण करें। हे सखे, रुद्रात्रिष्टुभेन छंदसा अंगिरस्व किरणवंत ध्रुवा असी रुद्रगण त्रिष्टुभ छंद्र के प्रभाव से अंगिरा के समान तुम्हारा निर्माण करें। तुम दृढ़ हो अंतरिक्ष रूप हो
मुझ यजमान के निमित्त संतान धन गोपतित्व सुंदर पराक्रम सहोदर गण के सहित हमको यथोचित सौहार्द धारण करें। हे सखे, तुमको अंगिरा के समान निर्माण करें। तुम दृढ़ हो, देवलोक रूप हो और अदिति देवता के प्रभाव से उन ऊखा की कांची के स्थान में हो। हे उखे, अदिति देव माता तुम्हारे भाग को ग्रहण करे। अग्नि स्थान भूत उखा को निर्माण करे। और हे सखे, वसुगण गायत्री छंद से अंगिरा के समान तुम्हारा वर्णन करें। रुद्रगण त्रष्टुप छंद से अंगिरा के समान तेरा वर्णन करें। आदित्यगण जगती छंद से अंगिरा के समान तुम्हारा वर्णन करें। हे गर्त, समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री दिव्य गुण युक्त देव माता पृथ्वी के ऊपर भाग में तुझको अंगिरा के समान खनन करें। देवताओं की स्त्रियां समस्त देवताओं के सहित तेजस्वी पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के समान तुमको स्थापन करें। हे उखे, सब देवों की अधिष्ठात्री प्रशंसित बुद्धि वाली दिव्य युक्त पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के समान तुझको प्रदीप्त करें। उखे, संपूर्ण देवगणों से युक्त अहोरात्र की देवी पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के समान तेरे लिए पकावें। हे उखे, सारे देवों की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के समान तुम पक करें। निरंतर गमनशील देखिए, सब देवताओं सहित पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के समान तेरे लिए पाक करें। सुंदर बाहुओं, अच्छे हाथों और उत्तम अंगुलियों वाला सविता देव स्वशक्ति और बुद्धि से तुझको प्रकाशित करें और तू व्यथा को ना प्राप्त होकर पृथ्वी में अपनी समस्त कामनाओं और दिशाओं को पूर्ण करें। उत्तम बाहु, उत्तम हाथ और उत्तम अंगुलियां देव अपनी शक्ति से आपको ऊपर उठावें। बाहु, हाथ, अंगुलियां उत्तम निर्दोष हो, इस विषय में मनुष्य प्रयत्न करें। स्थिरता से अपने कार्य को करो, यह विदीर्ण ना हो अच्छी रहकर कार्य करो। और प्रेरक अग्नि को इस यज्ञ में कर्म में आहुतियां प्रदान की जाती हैं। मन और बुद्धि को प्रेरक अग्नि को आहुति देते हैं। चित्त ज्ञान साधन विज्ञान के प्रेरक अग्नि को आहुति देते हैं। वाणी और विशेष धारणा के प्रतीक आहुति देते हैं। मनवंतर प्रवृत्त करने वाले प्रजापति के निमित्त आहुतियां प्रदान करते हैं। विश्व के हितकारी अग्नि देवता के निमित्त होम करते हैं। संपूर्ण मनुष्य सबके संचालक परमात्मा के सख्यता का स्वीकार करें। ज्ञान के पोषण के लिए तेजस्विता प्राप्त करें। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सब जनवाण आदि आयुधों को धारण करें। उनके लिए हमारा त्याग भाव हो। विश्वमर्तम नेत्रम देवस्य सख्यम बुरीत, सब लोक नेता देव की मित्रता प्राप्त करें। पोषण के लिए तेज प्राप्त करें। ऐश्वर्य के लिए सब झगड़ते हैं। हे अम्बे माता, हम सबको विद्या से मत छुड़ाओ और मत दुख दो। दृढ़ता से उत्तम वीर के कार्य को संपन्न करो तथा अग्नि और तुम दोनों से कार्य को समाप्ति पर्यंत करो। कर्तव्य से मत छुड़ाओ, दुख ना दे, धैर्य से उत्तम वीर के कार्य कर। हे पृथ्वी माता, कल्याण के लिए उत्तम रीति से सुदृढ़ होकर स्वाध्याय तुम अपनी धारण शक्ति से, अपने प्राण की शक्ति से और अपने यह हव्य देवताओं के प्रिय हो, तू नष्ट ना होकर इस यज्ञ में उदय को प्राप्त करो। अपने कल्याण के लिए सुदृढ़ होकर प्रयत्न करो। सुदया आसुरी माया करता, सपनी शक्ति से असुरों ने शक्ति बढ़ाई है, तू विनष्ट ना होकर इस यज्ञ में उदय को प्राप्त हो। जिसका प्रधान भक्ष वृक्ष की समुदाय है, जिसका प्रधान पेय घृत है, जो पुरातन है तथा जो देव गुणों को बुलाने वाला श्रेष्ठ बल से उत्पन्न होने वाला और आश्चर्य रूप है। वृक्ष की समुदाय इसका अन्न है, समुदाय अग्नि का अन्न है, अग्नि का मुख्य पेय घी है, यह बल का पुत्र है, बल से मंथन करने से यह अग्नि उत्पन्न होती है। देवों को यज्ञ स्थान में यह अग्नि ही बुलाकर लाता है। हे अग्नि देवता, शत्रु सेना के साथ रहने वाले युद्ध में स्थित हम अवरान अभ्यंतर समीपस्यों की रक्षा कर। जहाँ मैं स्थित हूँ वहाँ उन सबों की भी रक्षा कर। परश्याम सम्मता, शत्रु सेना से होने वाले युद्ध में हम खड़े हैं, हमारे जो लोग यहाँ हैं उन सब की सुरक्षा कर। यत्र अहम अस्मि तान अव, जहाँ मैं हूँ उनका संरक्षण करूँ।